जिसका प्रदेश की राजनीति में मतदाता किस पर लगाएंगे अपना दांव, योगी खिलाएंगे फूल या अखिलेश की दौड़ेगी साइकिल या पंजा दिखा पाएगा अपना दमखम, हाथी की रफ्तार बढ़ेगी या झाड़ू अपनी उम्मीद पर खरा उतर पाएगी, जानने के लिए देखिए राजनीति चस्का। महंगाई पर होगा वार, अब की बार बनेगी बहन मायावती की सरकार, बेरोजगार युवकों को मिलेगा रोजगार, किसानों को मिलेगा आवारा जानवरों से मुक्ति। दोस्तों, विधानसभा भोगनीपुर से बहुजन समाज पार्टी से जुनैद पहलवान एडवोकेट को चुनाव चिन्ह हाथी वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। विधानसभा भोगनीपुर से बसपा प्रत्याशी जुनैद पहलवान ने किया दौलतपुर चौड़ा करियापुर आदि क्षेत्र के गांवों का किया घर घर जनसंपर्क। बसपा प्रत्याशी जुनैद पहलवान ने ग्रामीणों से बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने तथा 12 फरवरी की बेला में होने वाली विशाल जनसभा को सफल बनाने में मांगा सहयोग। जनपद कानपुर देहात के 208 विधानसभा भोगनीपुर से जुनैद पहलवान ने अपने समर्थकों के साथ दौलतपुर डिडोलिया चौड़ा करियापुर उद ईपुर गौरी ठाकुर पूर्वा आदि गाँव में जाकर देखा घर संपर्क किया। जुनैद पहलवान ने भोगनीपुर की जनता से बहन मायावती के विचारों से अवगत कराया और लोगों से बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का तथा 12 फरवरी 2022 बेला में होने वाली विशाल जनसभा को सफल बनाने में सहयोग मांगा। लोगों ने जुनैद पहलवान को माला पहनाकर सम्मान दिया और बहन मायावती की विशाल जनसभा को सफल बनाने का भरोसा दिया। जनसंपर्क अभियान में उमा शंकर तिवारी, गुड्डे कुरैशी, प्रधान हतुआ, मुकेश कठेरिया, जितेंद्र संखवार, विपिन सचान, संजीव सचान, ब्रह्म स्वरूप संखवार, डॉक्टर मुन्ना गौतम, डॉक्टर शुगरलाल गौतम, नगर अध्यक्ष अनुप कुमार पाल, मोतीलाल पाल आदि सर्व समाज के लोग साथ रहे। सभी ग्रामीण जुनैद पहलवानों को भोगनीपुर से विधायक बनाकर बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट।